अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। यानी एक तकवे का हैजा भी होता है ना, और उसकी वजह से लोग चीजें अपने ऊपर कर लेते हैं हराम, और फिर उसको इश्क रसूल का नाम। वो कहते हैं जी बायजीद बुस्तामी ने पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया, क्यों? वो कहते हैं जी एक दिन वो खाने के लिए बैठे तो वो कहने लगे कि मुझे नहीं पता अब नबी इस्लाम ने ऐसे काटा था, ऐसे ऐसे काटा था। ये बायजीद बुस्तामी की कहानी सुना रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। एक गरीब और तो बदतमीज। इकबाल भी खिराज पेश करता है, कामले बुस्ताम अज तकलीद फर्द इजतना बस खुद ने खरबूजा कर खरबूजा सारी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया हजरत बायजीद ने। क्या तो बड़ा चंगा काम किया अल्लाह दे बंदे हो कि सुन्नत से खरबूजा खाना तो साबित है, खाने के तरीके की वजाहत नहीं मिलती। हुजूर ने तोड़ के खाया है या काट के खाया? यानी एक तकवे का हैजा भी होता है ना, तोड़ के खाने लगते ख्याल आता कहीं काट के ना खाया हो। हेलो सामो। काट के खाने लगते ख्याल आता कहीं तोड़ के ना खाया हो। कि तू केड़े पासे लगे हैं? इस डर से कि कहीं सुन्नते रसूल की मुखालिफत लाजम ना आ जाए सारी जिंदगी खरबूजा ही नहीं खाया। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे बाबे तुहाडे सामो इन्हां नूं। ये है मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी का। क्या करूं मैं? अल्लाह उनके मनाकब बहुत सारे हैं, कहानियां ने करा के रखो। और ये सिर्फ इश्क रसूल खरबूजे पे था, बाकी भी तो चीजें दुनिया में मौजूद हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा? किस गैर महसूस तरीके से इन्होंने उम्मत का जनाजा निकाला?